नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में सड़क हादसे अभी भी थमे नहीं है, लगातार हादसे सामने आ रहे हैं और आज भी ऐसा ही हादसा सामने आया है सागर की मालथौन से। जी हाँ, सड़क हादसा हुआ है जहां पर ढलान पर अनियंत्रित होकर पलटी है ट्राली। 10 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है, 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला नेशनल हाईवे 44 का है, जहाँ पर स्थित मालथौन में ढलान पर एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्राली में सवार 26 लोग घायल हो गए, जिसमें से 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। 6 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मालथौन थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया मौके पर पहुंची। सभी घायलों को मालथौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दरअसल हम आपको बता दें, ट्रैक्टर पर सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के पटना पारोल गाँव से अशोकनगर जिले के करीला धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसमें 26 लोग घायल हो गए हैं, इनमें 12 लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं। घटना में 6 लोगों को गंभीर हालत में सागर रेफर किया गया है। घटना में 10 वर्षीय शिवानी पिता पर्वत निवासी कुमेरी की मौत हो गई है। घायलों में 18 वर्षीय प्रीति कुशवाहा, 60 वर्षीय गणेशी भाई पटेल, 13 वर्षीय मुस्कान, 18 वर्षीय जयंती पटेल और 22 वर्षीय भानुमती पटेल, 21 वर्षीय राजकुमारी सहित अन्य भी घायल हैं। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कि जानवर को बचाने में ट्राली पलटी है। मालथौन थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया ने बताया है कि जानवर को बचाने के चक्कर में ढलान पर ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण एक बच्ची की मौत हो गई। कुछ घायलों का स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 32 लोग घायल हुए थे, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालथौन में प्राथमिक उपचार किया गया और जिसमें से लगभग 9 लोगों की गंभीर हालत थी, जिनको हमने जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस घटना के दौरान एक 13 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।